क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने भी तुम्हारे बैंक मैनेजर के थ्रू तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। वही कहाँ मिली आपको? वैष्णो देवी में। जब से इस लड़की पार्वती को देखा है ना भाई, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो भाई फाइनली परी ने कर ली है एंट्री और यहाँ पर नीति की तो होश ही उड़ गए हैं। राजीव तो पूछ ही लेता है भाई तुम परी हो ना यहाँ पर, वो कहती है नहीं मैं तो पार्वती हूँ। और यहाँ पर परी जो है ना ऐसे इंग्लिश वाले स्टाइल में बोल रही होती है कि समझ में नहीं आता कि भाई वाकई में ये परी है या कोई और है। यहाँ नीति को तो लग ही जाता है कि नहीं ये परी, और नीति बोल भी देती है कि नहीं मैं तो मान ही नहीं सकती तुम तो परी हो। इतनी घबराहट हो रही, बता नहीं सकती हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं सचमुच परी तो नहीं आ गई है पार्वती बनकर हम लोगों से बदला लेने के लिए। मैं समझ नहीं आ रहा कि हमें हमें कौन बताएगा कि ये परी है या पार्वती। और गुरविंदर भी आ जाती है, गुरविंदर कहती है तुम तो मेरी बहू परी हो ना, और ये सुनकर ना और जो परी होती है वो बोलती है कि अरे एक्सक्यूज मी क्या बोल रहे हो आप, मैं तो पार्वती हूँ और व्हाट इज दिस, और मतलब वो अंग्रेजी में ना कुछ ना कुछ बोलने लगती है। वेयर इज दैट बैंक मैनेजर, कब से वेट कर रहे हैं उसका? शो मैम मैं देखता हूँ। क्या प्लीज आप मुझे बताएंगे कि परी आपको कहाँ मिली? मुझे परी कभी मिली ही नहीं। कथा और ऐसा शो करती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और क्या परी परी कर रहे हैं आप लोग, सारी चीज कर रहे हैं। वहीं पर फिर वो अपनी अंबिका मम्मी को बुला लेती है और कहती है मॉम ये सब लोग कौन है, ये पागल हो गए क्या, ये मेरे को बार बार परी क्यों बोल रहे हैं? समझ गया, आप ये सब इसलिए बोल रही है ना क्योंकि परी नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो जिंदा है। मैंने वो मुझसे नाराज है और उसका हक बनता है नाराज होने का, क्योंकि मैं उसके पास तब नहीं था जब उसे मेरी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वही अंबिका बोलती है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपकी जो परी हो उससे उसकी शक्ल मिलती हो, और आपको पता ही है ना कि भाई दुनिया में तो 7 जगह होते हैं, अलग अलग लोग सेम शक्ल के होते हैं, तो हो सकता है परी भी वही हो, लेकिन ये तो मेरी बेटी परी है और ये मेरे साथ ना शुरू से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, इसलिए मुझसे गुस्सा होकर वो चली गई थी। सलील बना रहा है, I'll see you later. लेकिन यहाँ पर राजीव का तो ना अलग ही एक मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, देख कर ना उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में परी आ गई है। और फिर राजीव क्या करता है, राजीव बोलता है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम परी नहीं हो, और परी यहाँ पर यही करती है। लेकिन भाई जैसी उसकी आंखों में आंखें डालती है ना तो वहाँ पर पिघलना शुरू हो जाता है उसका, और इतने में अंबिका पकड़ लेती है और अंबिका उसको रोक देती है। अंबिका कहती है अरे रुको ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं और आप ये सब क्या कर रहे हो, और बोल दिया ना कि भाई ये तो मेरी बेटी पार्वती है ना, ये परी वगैरह नहीं है। और यहाँ पर भाई अब नीति का दिमाग चलता है, नीति कहती अब कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है परी ही है। और यहाँ पर वो ताई जी को बुलाती है और उसको पता है कि ताई जी अगर आएंगी तो यहाँ पर परी पिघल जाएगी और परी पैर वैर छुएगी, और वही होता है। यहाँ पर जैसी ताई जी आती है परी उनके पैर छूती है और पिघल जाती है, और अंबिका बोलती है देखो मैंने इतनी ट्रेनिंग दी तुम्हें और तुम उसके बाद भी पिघल गई, उसके बाद भी तुम बदल गई। तो देखते भाई आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होता है। यहाँ पर जब परी सच में आई गई है और सबको पता लग गया कि भाई ये परी है, तो राजीव और नीति अब क्या करेंगे।